ओके यू गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग एंड यहाँ पे मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने ब्लॉग में। ये मेरा पहला व्लॉग है और मेरे व्लॉग्स में आई विल बी कवरिंग कि मैं अपनी यूपीएससी की पढ़ाई कैसे करती हूँ। हालांकि मेरा पहला अटेम्प्ट हो चुका है और उसके बारे में भी बात करूँगी कि क्या गलतियाँ हो गई और किस वजह से मेरा ये पेपर नहीं निकल पाया। सेकेंडली, मैं सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं करूँगी, मैं थोड़ी बहुत जो मुझे खाना बनाना पसंद है मैं उसके बारे में शेयर करूँगी, मैं अपनी लाइफस्टाइल के बारे में शेयर करूँगी। आई वांट टू इम्प्रूव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ एंड हेंस आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। मेरा जो पूरे दिन का शेड्यूल होता है कि जैसे आप यूपीएससी जैसी कोई बड़ी एग्ज़ाम को पढ़ते पढ़ते कैसे अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसके साथ साथ अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मेरी हॉबीज़ है, मुझे टीवी सीरीज़ देखना बहुत पसंद है। सेकेंडली, आई लव वर्किंग आउट एंड आई रियली वांट टू गेट इन टू शेप। सो या एंड आई रियली लव फॉलोइंग डिफरेंट डाइट्स। सो मेरा जो कंटेंट होगा वो इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। अलॉन्ग विद दैट, अगर मैं कहीं और जाती हूँ, कुछ नया करती हूँ, कुछ और करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। और इसी तरीके से ये मेरा पहला व्लॉग होगा एंड मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है, ये बस ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू एक थॉट आ गया कि मुझे एक नया व्लॉग शुरू कर देना चाहिए। सो दैट्स इट। अगर बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँ। तो मैंने कहा था कि मैं अपने 2021 के जो अटेम्प्ट था वो मेरा कैसा हुआ था उसके बारे में मैं बात करूँगी और मेरे से क्या मिस्टेक्स हुई मैं उसके बारे में बात करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने स्ट्रैटेजी वीडियोस तो बहुत सारे देखे थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना और उसको यूज़ कैसे करना वो शायद मैंने प्रॉपरली उसको स्ट्रैटेजाइज नहीं किया था। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजाइज करिए। आप कितने भी वीडियोज़ देख लीजिए, नो मैटर हाउ मैनी वीडियोज़ you search and you see them, watch them, पर जब तक आप उसको implement नहीं करते हैं it is not going to help you at all. So secondly, मैंने बहुत सारे videos देखे, मतलब ना मैं प्री रेडी थी ना मैं मेन्स रेडी थी, मुझे दोनों एक्चुअली मैंने साथ में करने की कोशिश करी थी, बहुत अच्छे से करी थी, लेकिन जो एक मेंस की तैयारी होनी चाहिए कि अगर इनके स्प्री निकल गया तो मेंस निकलना ही चाहिए, क्योंकि इफ़ यू गो, अगर आप मेंस तक जाते हैं एंड यू आर नॉट मेंस रेडी, यू हैव नॉट इवन रिटन अ सिंगल आंसर, देन दैट इज़ इनजस्टिस टू दिस पेपर एंड विच आई थिंक ऑब्वियसली आई रोट अ लॉट ऑफ आंसर्स बट आई वॉजेंट मेंस रेडी। सो बी मेंस रेडी, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू क्लियर प्री ऑल्सो, बिकॉज वेन आई वेंट फॉर प्री लास्ट के 15-20 दिन में मेरा ऐसा था कि मैं अगर मेंस रेडी ही नहीं हूँ तो मेरा प्रीलिम्स निकल भी जाएगा, तो मेंस एक एक्सपीरियंस ही होगा, नथिंग मोर देन दैट। सो उसको ध्यान में रखते हुए प्लीज़ बी मेंस रेडी। सारा जो आपका पढ़ाई है प्री और मेंस का, उसको एक कर दीजिए और उसको पढ़िए। टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं, दे आर नॉट एट ऑल रेलिवेंट। मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जितने टेस्ट सीरीज़ दिए हैं वो और यूपीएससी का कोई मेल नहीं है, दोनों पैरेलल चलते हैं। आपका खाली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से मैं कह रही हूँ अगेन कि आप टेस्ट सीरीज़ देंगे तो उससे आपका प्री निकल जाएगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ में 100 मिल रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको यूपीएससी में भी 100 आएंगे या उससे ज़्यादा आएंगे। यूपीएससी इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम, नो कोचिंग कैन पुल दैट ऑफ। सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे, आपको देखने, ये सभी कहते हैं, बट मैंने पहली बार पेपर दिया है और उसमें क्या मिस्टेक्स हुई मुझे लगता है कि ये सबको बताना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, टेस्ट दीजिए, खूब सारे दीजिए, ज़्यादा आ रहे हैं तो हवा में मत उड़िए, कम आ रहे हैं तो डीमोटिवेट मत होना कि आपका पेपर नहीं निकलेगा, क्योंकि यूपीएससी का पेपर अलग ही होता है, उसका एक्सपीरियंस जो होता है वो अलग ही होता है, तो आप उसको अपने टेस्ट सीरीज से कंपेयर नहीं कर सकते। हालांकि आप टेस्ट सीरीज़ का यूज़ है ना टाइम मैनेजमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो 2 घंटे होते हैं ना वो एक्चुअली में 2 घंटे नहीं होते, वो आपको 1 घंटा बराबर ही लगेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आप ज़्यादा टाइम देंगे, आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टाइम आपसे डिमांड करेगी,
है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत बेसिक होंगे, बट क्योंकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है वो ज़्यादा टाइम खा जाएगा, और जिस क्वेश्चन को एक्चुअली में ज़्यादा टाइम की ज़रूरत थी उसको आप ज़्यादा टाइम दे नहीं पाएंगे। तो मेक श्योर यू यूज़ टेस्ट सीरीज़ वाइजली, यूज़ देम फॉर टाइम मैनेजमेंट, टेक इट एज इफ दे आर योर फाइनल एग्जाम्स, ओनली फॉर टाइम मैनेजमेंट एंड फॉर रिविजन, बिकॉज मार्क्स ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होते। तो आप उसका उसका ध्यान लीजिए। टेस्ट सीरीज़ आप स्टार्ट से करिए, ऐसे नहीं कि आप लास्ट के 3 महीने में ही आप एकदम टेस्ट सीरीज़ करने में लगे पड़े हैं और फिर आपके पास कोई एनालाइज़ करने के लिए टाइम ही नहीं बचा है। ये मेरे साथ हुआ था, ये मेरी मेरी गलती थी, मुझे बहुत स्टार्ट से ये टेस्ट सीरीज़ कर लेने चाहिए थे। थर्ड ये है कि आप अपने जो गोल्स हैं वो सभी लिखते हैं, बट आप अपने गोल्स जो है अगर वो आप लिखते हैं इस तरीके से फॉर वट एवर टाइम यू वॉन्ट टू डू दैट, यू डू दैट, बट आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए कि जैसे अब मेरा अगला पेपर जो है वो जून में है, तो जून से लेके मार्च तक आप क्या करेंगे, फिर मार्च से लेके जनवरी या दिसंबर तक आप क्या करेंगे, आपका रिवर्स इंजीनियरिंग होना चाहिए। ईयरली प्लान, मंथली प्लान, वीकली प्लान एंड डे प्लान होना चाहिए आपके पास। हालांकि डे प्लान मत करिए, बट आपके पास ब्रॉडर आइडिया होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आप कौन से महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए, या कौन सा आपको कंप्लीट करना है, कौन से वीक में कौन सा टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। जब तक आपके पास इस डेप्थ की आपके पास जब तक टाइम टेबल रेडी नहीं है, आप इस पेपर को मैनेज नहीं कर सकते। फोर्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो भी आपको करना है लिखिए 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 लिखिए, सुबह उठ के लिखिए, चाहे एक दिन पहले लिखिए, बट यू हैव टू राइट डाउन व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड द गोल्स शुड बी अचीवेबल। ऐसा नहीं कि मतलब आपने इतना कुछ लिख दिया कि आप सिर्फ 10% कर पाए और फिर आपको बुरा लग रहा है कि आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी, और इससे इसके वजह से क्या होगा कि आपका 2 दिन उसी में जाएगा, आप टाइम पास करेंगे सिर्फ। अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो बी ट्रू टू योर सेल्फ दैट मैंने टाइम पास कर रहा है, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा, फाइंड फॉर द मोटिवेशन दैट्स इट। आसपास कंपटीशन कितना है वो देखिए और उस हिसाब से काम करिए। आपके लाइफ में जो भी चल रहा है आसपास, बी इट योर लव लाइफ, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर एनीथिंग, यू हैव टू गिव अप ऑन देम, नॉट गिव अप ऑन देम। इफ़ योर फैमिली, इफ़ योर फ्रेंड्स एंड इफ़ योर पार्टनर इज़ रियली अंडरस्टैंडिंग, यू डोंट हैव टू गिव अप ऑन एनी, बिकॉज दे आर गोइंग टू होल्ड योर हैंड्स नो मैटर वॉट। सो इंस्टाग्राम इफ़ यू वॉन्ट, इफ यू कैन हैंडल तो यू कैन डीएक्टिवेट ऑल ऑफ दैट स्टफ। आई कुडंट बिकॉज आई न्यू इफ आई डिलीट इंस्टाग्राम देर इज ऑलवेज गोइंग टू समथिंग एल्स दैट इज गोइंग टू रिप्लेस माई डिस्ट्रैक्शन, सो देर वॉज नो यूज ऑफ डूइंग दैट। बट येस ऑब्वियसली आई डीएक्टिवेटेड माई इंस्टाग्राम 3 months बिफोर द प्रीलिम्स एंड इवन इन बिटवीन हियर एंड देयर आई डिड दैट। आई कंप्लीटली डीएक्टिवेटेड माई फेसबुक, बट आई वॉज देयर ऑन इंस्टाग्राम। आई वॉज यूजिंग यूट्यूब बिकॉज फॉर मोटिवेशन पर्पजेज, फॉर नॉलेज पर्पजेज, फॉर एवरीथिंग एनी ऑफ दैट सॉर्ट। इफ यू हैव नेटफ्लिक्स, इफ़ यू लव वॉचिंग मूवीज एंड टी वी सीरीज सो मच, प्लीज डोंट गो फॉर न्यू टी वी सीरीज एंड मूवीज, बिकॉज आई डिड दैट मिस्टेक। वंस यू स्टार्ट वॉचिंग दैम देन यूल हैव टू फिनिश दैट, बिकॉज आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आपको ये करना ही पड़ेगा। एट द एंड यूल एंड अप वॉचिंग ऑल द टी वी सीरीज ऑल्सो। वॉट आई डिड फॉर लास्ट 3 months वॉज आई ओनली वॉच्ड, इफ आई वॉन्टेड टू वॉच ऑल्सो आई ओनली वॉच्ड फ्रेंड्स एंड दी ऑफिस, बिकॉज आई न्यू वॉट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, सो बस स्क्रोल कर लिया, जो मन में आया वो देख लिया। दैट इज़ हाउ यू कैन कंट्रोल योर डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो। मेक इट क्लियर टू योर पेरेंट्स ऑल्सो एंड योर फ्रेंड्स ऑल्सो दैट यू आर नॉट गोइंग टू मीट देम, और मेरा अभी ये टाइम है नहीं मिलने का, हाँ मैं 1-2 दिन के बाद मिलूंगा। वर्क अकॉर्डिंग टू योर प्लान एंड नॉट एनी बडी एल्सिस प्लान, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस प्रिपरेशन एंड परसिवरेंस। एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि सबका अपना अलग अलग पेस होता है। अगर मेरा जो पेस है, मेरा पेस ऐसा है कि मेरा 3 साल में पेपर क्लियर होगा तो वो 3 साल में ही पेपर क्लियर होगा, मेरा पेस चेंज नहीं होगा। किसी का 1 महीने, 1 साल में हो जाता है, किसी का 2 साल में होता है, किसी का 3 साल में होता है, किसी का 5 साल में भी होता है। वी हैव सो मैनी टॉपर्स इन दैट कैटेगरी ऑल्सो, सो डोंट गेट डिसहार्डन, बट एट द सेम टाइम क्लियर योर बेसिक्स। जैसे हमने पढ़ा है हिस्ट्री में गो बैक टू वेदास, इसमें भी सेम है गो बैक टू एनसीईआरटीज। एज लॉन्ग एज योर कंसेप्ट आर क्लियर, नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियर दिस पेपर। दिस इज़ वॉट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम माई मिस्टेक्स। ऐसा नहीं कि फुल प्रूफ एकदम सही ही कह रही हूँ मैं, लेकिन
एनसीईआरटीज पता होनी चाहिए कि कौन से एनसीईआरटीज में क्या लिखा है, दैट्स इट फिनिश। जब तक तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी से क्लियर नहीं है, तुम कितना भी एडवांस्ड बुक पढ़ लो काम नहीं आने वाला। आप क्वेश्चंस उठा के देख लेना, 2021 के क्वेश्चंस ऐसे थे कि अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है तो ही आप आंसर कर पाओगे, क्योंकि वो सेम वर्बेटियम ना लक्ष्मीकांत में है ना किसी में है। सो यू विल हैव टू हैव योर कंसेप्ट्स क्लियर। नेक्स्ट, लोग कहते हैं 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, जितने मर्जी घंटे पढ़ना है पढ़ना, बट खुद के लिए दिन में 2 घंटे होने ज़रूरी है, 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। उसके अलावा यू मैनेज योर टाइम, रीड कम्फर्टेबली, बट आई वुड लाइक टू सेज के पहले 8 घंटे पढ़िए थोड़े महीने के लिए, फिर 10 घंटे कर दीजिए, फिर 12 घंटे कर दीजिए, और एग्ज़ाम के एंड में अगर आपसे हो पाता है तो आप 14 आवर्स कर सकते हैं, 20 आवर्स, सॉरी नॉट 20 आवर्स बट 16 आवर्स कर सकते हैं, इफ़ यू कैन डू दैट। इफ़ यू डू ऑल ऑफ दिस, करंट अफेयर्स आपको रेगुलरली करना पड़ेगा, इवन दो अगर उससे क्वेश्चंस नहीं आ रहे। और मुझे एक चीज़ पता चली है, अभी ये पता नहीं कोचिंग वालों को बहुत ज़्यादा अड़ जाएगी ये बात, बट उनका रिलेवेंस ख़त्म हो चुका है, बिकॉज जो पेपर था 2021 का, क्लासेस का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। इसीलिए खुद सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करिए। आप जब क्लासेस में जाते हो तो आपकी थिंकिंग एक एक डायरेक्शन में पुश करी जाती है, बट आप जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपकी नॉलेज अपने आप बढ़ती है, आपका आपका जो विजन है वो ब्रॉड होता है, आप खुद दिमाग लगाते हैं, आपकी सोच को कोई स्ट्रीमलाइन नहीं कर रहा होता है। तो मैं ये कहूँगी, अगर आपके पास पैसा है, आपका आपको थोड़ा सॉर्टेड चीज़ें चाहिए, आपको शेड्यूल चाहिए सारी चीज़ें, तो यू गो फॉर क्लासेस, कोचिंग एंड ऑल, बट इफ़ यू कैन मैनेज सेल्फ स्टडिंग प्लीज़ डू दैट, दैट्स इट। अभी के लिए तो मुझे इतना ही याद आ रहा है, लेकिन अगर मुझे कुछ ऐड करना होगा तो मैं आने वाले वीडियोज़ में आई कीप ऑन अपडेटिंग कि मुझसे ये गलती हुई, वो गलती हुई। थैंक यू। ऑल्सो सारे यूट्यूबर्स करते हैं तो मुझे भी करना पड़ेगा भाई। अगर आपको अच्छा लगता है डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो कहते हैं लोग वही सेम रिपीट, डू दैट। थैंक यू।